हाँ भाई नमस्कार क्या हाल चाल कैसे हैं मस्त बढ़िया बढ़िया ही होंगे चलिए स्टार्ट किया था अपन ने लास्ट क्लास में कंपनी की अकाउंटिंग और कंपनी की अकाउंटिंग में अपन ने बात की थी किसकी इशू ऑफ शेयर की इशू ऑफ़ शेयर में हमने बात की थी, थी की थी कंपनी के ओवरव्यू की कि बेसिकली कंपनी क्या होती है कंपनी के टाइप क्या होते हैं उसके अलावा हम शेयर्स की बात भी कर चुके थे शेयर्स के हमने टाइप पढ़ लिए थे प्रिफ्रेंड शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं वो जो प्रिफ्रेंड शेयर नहीं होते और प्रिफ्रेंड शेयर क्या होते हैं सर दो शेयर राइट होते हैं उनको कि जब भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात आएगी तो पहले आप आप आइए पहले पहले आपका पेमेंट किया जाएगा और ऐसे ही जब कंपनी का जब वाइंडिंग अप हो रहा हो कंपनी बंद होने की सिचुएशन हो, हो तो उस टाइम पे भी उनको प्रायोरिटी पे कि भाई पहले आपका पेमेंट करते हैं बाकियों का पेमेंट हम बाद में कर देते हैं मतलब इक्विटी शेयर होल्डर से पहले आपका पेमेंट होगा तो दो उनके पास प्रेफरेंशियल राइट होते हैं इसके अलावा टाइप्स ऑफ प्रेफरेंशियर्यर्स भी हमने पढ़े थे क्यूमलेटिव नॉन क्यूमलेटिव ठीक है पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग रेडिमेबल इ ठीक है तो इस टाइप से हमने काफ़ी कुछ जो है पढ़ लिया है पीछे की क्लासेज में थ्योरी से रिलेटेड और एक क्लास में हमने बात की थी कि कंपनी की बैलेंस शीट में बेसिकली शेयर कैपिटल को कैसे प्रेजेंट किया जाता है आज की क्लास में हम बात जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि जो कंपनी की बैलेंस शीट में आप शेयर कैपिटल को प्रेजेंट कर रहे हैं आप पहले ये देखो ये काम कर कीजिए सब्जेक्ट को जो इम्पोर्टेंस है ना वो पूरी पूरी जानी जरूरी है तो आज की क्लास में हम बात करेंगे उसी प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन कंपनीज बैलेंस शीट एज पर स्केड थ्री पार्ट वन तो चलिए पहुँचते हैं तो लास्ट क्लास में हमने बात कर ली थी कि एक होती है ऑथोराइज कैपिटल कि कंपनी अपनी लाइफ टाइम में कितने रुपए के शेयर जो है वो इश्यू कर सकती है ऑथोराइज को हम नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं रजिस्टर्ड भी कहते हैं क्यों कहते हैं ये बात भी हम कर चुके थे लास्ट क्लास में देन फिर इसके दो पार्ट होते हैं इशूड कैपिटल इशूड कैपिटल ऑथोराइज कैपिटल आपके पास अथॉरिटी है और उस अथॉरिटी का जितना आपने यूज में ले लिया है उस अथॉरिटी को तो वो क्या हो गया इशूड कैपिटल और जो आपने यूज में नहीं लिया है वो अनइश्यूर्ड कैपिटल अब इशूड कैपिटल के दो पार्ट है सब्सक्राइब्ड एंड आपने तो पब्लिक को इनविटेशन दे दिया कि आ जाइए भैया हमारी कंपनी में जो है शेयर्स जो है परचेज कर लीजिए पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए पर लोगों का भी इंटरेस्ट दिखा कि नहीं दिखा तो सब्सक्राइब्ड है या अनसब्सक्राइब तो दो कैटेगरी में आपको बांटना है देन फर्दर सब्सक्राइब्ड को हम क्लासीफाई करते हैं कॉल्ड अप अप सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेडअप सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेडअप तो आज ही क्लास में सारे जो आ, कन्फ्यूजन हमारी क्रिएट होती है यहाँ पे आने के बाद वो सारी कन्फ्यूजन जो है हम थोड़ा सा दूर कर लेते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है गोपाल लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद एन ऑथोराइज कैपिटल ऑफ रूपीज फिफ्टी लैख डिवाइडेड इंटू इक्विटी शेयर ऑफ हंड्रेड ईच ठीक है द कंपनी ऑफर्ड फॉर पब्लिक क्या करें सीधा सॉल्यूशन पे मूव ऑन करें या फिर पढ़ते रहें क्वेश्चन तो चलो सर सॉल्यूशन की तरफ ही चलते हैं सॉल्यूशन में आपने हमें बताया था कि यहाँ पे जो है ना लास्ट में काम रहेगा इंपॉर्टेंट पार्ट किसका होता है नोट टू अकाउंट का तो नोट टू अकाउंट का काम जो है यहाँ पे मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है तो नोट टू अकाउंट हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो गोपाल लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद एन ऑथोराइज कैपिटल ऑफ रूपीज ऑफ 50 लाख डिवाइडेड इंटू इक्विटी शेयर ऑफ हंड्रेड इंच तो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है आई थिंक ये रूपीज ही होगा ठीक है पचास लाख रुपए इनकी ऑथोराइज कैपिटल है और एक शेयर की वैल्यू कितनी है हंड्रेड रुपीज तो कोई मुझे बताएगा नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए नंबर ऑफ शेयर हो गए हैं फिफ्टी थाउजेंड तो फिफ्टी थाउजेंड एट द रेट हंड्रेड इच इनकी हो गई है ऑथोराइज कैपिटल तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फिफ्टी थाउजेंड एट द रेट हंड्रेड Each. तो ये हो गया सर हमारा पचास लाख रुपया तो कंपनी जो है अपनी लाइफ में कितने रुपए के शेयर इश्यू कर सकती है पचास लाख रुपए के ठीक है अब कंपनी ने अब तक कितने के शेयर इश्यू कर दिए ये पता करते हैं द कंपनी ऑफर्ड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑल सारे के सारे शेयर्स जो है पब्लिक ने पब्लिक के लिए छोड़ दिए हैं कंपनी ने कि खरीद लीजिए द पब्लिक अप्लाइड फॉर फोर्टी फाइव थाउजेंड शेयर्स एंड अलॉटमेंट वॉज मेड टू ऑल द अप्लिकट्स अब पब्लिक ने कितने के लिए अप्लाई किया है सिर्फ फोर्टी फाइव थाउजेंड के लिए आपने इशू कितने किए पूरे के पूरे कर दिए थे फिफ्टी थाउजेंड तो चलो पता करते हैं यहाँ पे इशूड में आते हैं हम सबसे पहले इशूड में हम कहेंगे कि कंपनी ने फिफ्टी थाउजेंड शेयर्स एट द रेट हंड्रेड जो है इशू कर दिए कंपनी अपनी लाइफ टाइम में पचास लाख रुपए के शेयर इशू कर सकती थी जो पूरे के पूरे कर चुकी है इसके बाद अगर और कभी कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ेगी और अगर इशू करना है तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा मे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंजेज करने होंगे आर्टिकल ऑफ़ एसोसिएशन में भी चेंज करना होगा वहां पर लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ कि आप किन कंडीशन पे चेंज कर सकते हैं क्या कुछ कर सकते हैं तो ऐसे इनके डॉक्यूमेंट जो है बेसिकली चेंज हो जाने हैं सब्सक्राइब कैपिटल सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप अब यहाँ पे बात ये है कि सर यहाँ पे जो आगे डिटेल आनी है ना वो आनी है सिर्फ 45,000 शेयर्स की कितने शेयर्स की डिटेल आनी है आगे 45,000 की अब इस 45,000 में से कुछ शेयर्स यहाँ और कुछ शेयर्स यहाँ ऐसा क्यों देखिए यहां पे रिकॉर्ड करने के लिए दो कंडीशन फुलफिल करनी होती है दोनों कंडीशन जो है दिमाग में अपने बसा लीजिए आप ठीक है ये दोनों कंडीशन जो है ये दिमाग में अपने बिल्कुल फिट कर लीजिए कंडीशन नंबर वन है ठीक है फुली कॉल्ड यहां पे शेयर तभी आएगा जब पूरे के पूरे हंड्रेड रुपीज कंपनी ने मांग लिए हो अगर कंपनी कह रही है कि एट्टी रुपीज़ तक मांग मांग लिए गए हैं बाकी के जो ट्वेंटी रुपीज फाइनल कॉल वाले वो अभी नहीं मांगे गए हैं वो बाद में मांगे जाएंगे तो उस केस में वो शेयर यहां पे रिकॉर्ड नहीं होंगे वो यहां जाएंगे दूसरा ठीक है सर मान लीजिए पूरे के पूरे हंड्रेड मांग लिए तब तो क्या है? यहां पे रिकॉर्ड हो जाएंगे हो जाएंगे लेकिन ये कंडीशन और है साथ के साथ और वो एक और कंडीशन क्या है एक और कंडीशन ये है आपने जो पैसा मांगा है ठीक है वो पूरा का पूरा जो है रिसीव भी हो जाना चाहिए फुली पेडअप ठीक है तो फुली कॉल्ड अप एंड फुली पेड अप अगर दोनों कंडीशन फुलफिल है तो यहां पैसा अदरवाइज ठीक है इन दोनों में से अगर कोई एक भी और नहीं लिख रहा हूं मैं क्या लिख रहा हूं एंड लिख रहा हूं तो अगर कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो पैसा जो है यहां ना रिकॉर्ड होके यहां रिकॉर्ड हो जाएगा चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की क्या महिमा है क्या कहानी है क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे कह रहा है एंड अलॉटमेंट वॉज मेड टू ऑल ऑल द द कॉल्स वर वर मेड एंड ड्यूली एंडलीव तो पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई है सारी की सारी कॉल जो है मांग ली गई है ठीक है अब क्या देखते हैं क्या पूरा पैसा आ भी गया है क्या एक्सेप्ट द फाइनल कॉल ऑन फाइव हंड्रेड शेयर पांच सौ शेयर का पैसा नहीं आया बाकी सबका आ गया मीन्स हमारे पास टोटल 45,000 फाइव थाउजेंड शेयर्स थे इनमें से 500 का हिसाब किताब जो है सर अलग कर दीजिए और 44,500 का अलग कर दीजिए क्योंकि 44,500 जो है ये वो है वो शेयर जिनके ऊपर पूरे सो <coughs> सॉरी <coughs> पूरे सौ रुपए जो है कंपनी ने मांग लिए हैं साथ के साथ पूरे के पूरे हंड्रेड रुपीज है वो रिसीव भी हो गए हैं बट इन फाइव हंड्रेड के साथ क्या है इन 500 के ऊपर पूरे हंड्रेड रुपीज मांगे तो गए हैं लेकिन रिसीव नहीं हुए हैं तो ये 500 जो है सब्सक्राइब नॉट नोट पेड पेडअप में आएंगे और ये फोर्टी फोर फाइव हंड्रेड जो है सब्सक्राइब एंड फुली अप में चले जाएंगे तो चलो बढ़ते हैं फोर्टी के दो पार्ट कर देते हैं फोर्टी फोर फाइव हंड्रेड यहाँ और फाइव हंड्रेड यहाँ फोर्टी फोर फाइव हंड्रेड हमने कितने रुपए मांगे हंड्रेड रुपीज मांगे तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं फोर्टी फोर फाइव हंड्रेड और दो जीरो ठीक है तो फोर्टी फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज जो है आपके हो गए सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेडअप इन फाइव हंड्रेड की क्या कहानी है क्या कुछ पैसा इनसे भी आया हाँ हंड्रेड रुपीज मांगे थे हंड्रेड रुपीज मांगे थे तो कितना पैसा बना इनका इनका पैसा बना आपका फिफ्टी थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड रुपीज हमें रिसीव करने थे बट कॉल्स इन एरियर रह गई एरियर कितना रहा फाइव हंड्रेड इंटू ट्वेंटी, ठीक है टेन टेन थाउजेंड तो टेन थाउजेंड की अगर कॉल्स इन एरियर रह गई बच्चा तो आया कितना आपके पास आपके पास आ गया फोर्टी थाउजेंड रुपीज कितना रिसीव किया आपने जो जो है है आपने रिसीव कर लिया तो टोटल जो है आपके पास पैसा कितना आ चुका है ये पैसा आ चुका है आपके पास 44 आई बात समझ में कितना पैसा आना चाहिए था पब्लिक ने सब्सक्राइब कितने किए फोर्टी फाइव थाउजेंड शेयर था बट टेन थाउजेंड गई तो अल्टीमेटली आपके पास आया कितना 44, इन हंड्रेड यहाँ तक की जो डिटेल है उसका कोई लेना देना नहीं है इंपॉर्टेंट पार्ट ये है फोर्टी फोर नाइन हंड्रेड हाँ मार्क्स मिलेंगे इनके भी बट मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है फोर्टी फोर नाइन हंड्रेड तो फोर्टी फोर सॉरी फोर्टी फोर लैख नाइन्टी थाउजेंड तो चलते हैं अपन और यहाँ पे हम लिख देते हैं फोर्टी फोर लैख नाइनटी थाउजेंड जो है कंपनी की शेयर कैपिटल है जिसको शेयर होल्डर्स फंड जो हेड है उसके अंडर हम प्रेजेंट करते हैं तो लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था करने के लिए अगर आपने कर लिया है आपका हो गया है तालियां बजाइए मजे कीजिए एंजॉय कीजिए खुद को शाबाशी दे दीजिए पीठ थपथपा लीजिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि ऑन फर्स्ट <स्याँग> अप्रैल <स्याँग> टू थाउजेंड फोर्टीन टाटा लिमिटेड वॉज फोर्म विद एन ऑथोराइज कैपिटल ऑफ रूपीज फोर्टी लैख टाटा लिमिटेड की सकती है कंपनी इशू कर सकती है सर चार लाख शेयर्स लेकिन कंपनी ने इशू कितने किए हैं वन लाख के और वो भी एट पार इशू प्राइस वॉज पेबल एज फॉलो थ्री फाइव टू ठीक है थोड़ा सा इसको सिंपल कर लेते हैं ठीक है सिंपल क्या करना है एक काम कीजिए आप इसको स्टार्ट कर दीजिए बिल्कुल सॉल्यूशन में और सॉल्यूशन में क्या पैटर्न सेट है हमें नोट टू अकाउंट बनाना नोट टू अकाउंट में सबसे पहले हमें क्या लिखनी होती है ऑथोराइज कैपिटल तो आप क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ ऑथोराइज कैपिटल पर ध्यान दे ऑथोराइज कैपिटल कह रही है चार लाख ,00 के शेयर इशू कर सकते हैं दस रुपए वाले इटम चालीस लाख रुपए इनकी ऑथोराइज कैपिटल है तो हम लिख देते हैं यहाँ पे ऑथोराइज शेयर कैपिटल ठीक है और ऑथोराइज शेयर कैपिटल में हम क्या लिखेंगे फोर लैख शेयर एट द रेट टेन ईच तो चालीस लाख रुपए के शेयर जो है ये अपनी लाइफ में इश्यू कर सकती है कंपनी अब बात करते हैं अपन इश्यूड की ठीक है इशूड शेयर कैपिटल इशूड शेयर कैपिटल में हमें क्या बताना है कि कंपनी ने अब तक वन लैख शेयर्स जो हैं इशू किए हैं और एक शेयर की जो वैल्यू है वो है रुपीज टेन इट मींस टेन लैख रुपीज के कंपनी जो है मार्केट में शेयर इशू कर चुकी है अब बात आती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल की इसकी आती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल की अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल के हमने देखा था दो पार्ट है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप होता है सब्सक्राइब बट नोट फुली अप तो यहां पे हमें देखना होगा कि सब्सक्राइब एंड फुली अप में कितना कुछ रिकॉर्ड होगा और सब्सक्राइब बट नोट फुली अप में कितना रिकॉर्ड होगा ठीक है तो ये तो हमें क्वेश्चन देख के ही पता चलेगा तो चलो तो क्वेश्चन देखते हैं मित्रों क्वेश्चन कह रहा है कि दस रुपए का आपका एक शेयर है उस दस रुपए के शेयर को आपने तीन पार्ट में डिवाइड कर रखा है Three, में. सारा का सारा पैसा आ गया है ठीक है थीके? बाकी सारा पैसा आ गया है तो वन थाउजेंड का हिसाब किताब हमें अलग लेना पड़ेगा क्योंकि उनसे ये दो रुपए जो है रिसीव नहीं हो पाए हैं बाकी जितने भी आपके शेयर्स थे वन लेख में से कितने बचे नाइन्टी नाइन थाउजेंड नाइन्टी नाइन थाउजेंड पर आपको एट द रेट रुपीज टेन जो है रिसीव हो गए हैं तो ये नाइनटी नाइन थाउजेंड शेयर्स जिसके पास है वो क्या कहेंगे भाई पूरे सो दस रुपये आपने मांग लिए हम कम, बिगिया कंपनी हम कहेंगे हाँ मांग लिए दूसरी कंडीशन हमने दस रुपये आपको दे भी दिए बिल्कुल दे दिए तो हमें कहाँ रिकॉर्ड करें आप सब्सक्राइब एंड फुली पैडअप में तो चलिए बढ़ते हैं अपन किसकी तरफ सब्सक्राइब एंड फुली पैडअप की तरफ और यहां पे आके हम लिख देते हैं यहां पे आके हम क्या लिख देते हैं नाइन्टी नाइन थाउजेंड शेयर्स एट द रेट रूपीज टेन ईच ठीक है तो ये आपका जो अमाउंट हो गया है ये अमाउंट हो गया आपका इन लेख नाइंटी थाउजेंड अच्छा वॉट अबाउट रेस्ट वन थाउजेंड तो इनके लिए हम कहेंगे वन थाउजेंड शेयर्स एट द रूपीज टेन ईच ठीक है इनसे हमने टोटल पैसा जो मांगा था वो था ये इसमें से फाइनल कॉल जो है नहीं रिसीव हुई जिसे हम क्या कहते हैं कॉल्स इन आरियर ठीक है तो कॉल सिन एरियर कितना था कॉल सिन एरियर था सर वन थाउजेंड शेयर्स के ऊपर फाइनल कॉल जो है वो हमें रिसीव नहीं हुई थी तो फाइनल कॉल एक बार चेक कर लेते हैं कितने की थी दो रुपये की थी तो दो रुपये की फाइनल कॉल थी तो दो रुपये से अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दो हज़ार रुपया आपको ना ही मिला तो कितना मिला एट थाउजेंड मिला सर तो टोटल जो है आपके पास पैसा कितना आया आप कहेंगे नाइन लैख नाइन्टी एट थाउजेंड दैट्स इट तो नाइन लैख नाइन्टी अगर आपका सब्सक्राइब्ड कैपिटल है तो चलिए पहुंचा देते हैं इसको नाइन लैख नाइन्टी को नाइन लैख नाइन्टी एट डन ठीक है शाबाशी चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारा सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर थ्री और सी बी एस ई सैम्पल पेपर टू थाउजेंड सेवनटीन एटीन का ये क्वेश्चन है बेसिकली सेवनटीन एटीन में क्या था सी बी एस ई ने एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था और सी बी एस ई कहती थी कि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हम देंगे बच्चा अकाउंटेंसी पढ़ रहा है बी पढ़ रहा है फिजिक्स पढ़ रहा है केमिस्ट्री पढ़ रहा है वहाँ तक तो ठीक है बट कुछ वैल्यूज़ का भी उसको ध्यान रखना पड़ेगा सोसाइटीज़ के लिए कि सोसाइटी के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं क्या कुछ नहीं तो उसको बताना चाहिए कि भाई क्या क्या कुछ करना चाहिए सीखना चाहिए अभी वो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जो है बेसिकली नहीं दे रही है सी पिछले सालों से क्या पता इस बार दे दें ठीक है वैल्यू बेस्ड में क्या है अलग से आपको दो तीन नंबर के क्वेश्चन मतलब पूरा आपका 80 मार्क्स का है 70 मार्क्स का जो भी पेपर होता है बोर्ड एग्जाम में ठीक है subject subject करता है सब्जेक्ट सब्जेक्ट टू करता उसमें दो से चार नंबर तक के क्वेश्चन आपको वैल्यू बेस्ड मिलते हैं उनमें पूछा जाता है कि भाई कौन कौन सी वैल्यूज है क्या क्या अच्छी बातें हैं यहाँ पे वो आप थोड़ा सा बता दीजिए तो यहाँ क्वेश्चन यह जो है बेसिकली उसमें थोड़ा वैल्यू बेस्ड का टच है ठीक है और प्रैक्टिकल जो पार्ट है इसका प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल वो कुछ खास है नहीं है एम एम लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद एन ऑथोराइज कैपिटल ऑफ रूपीज टू हंड्रेड करोड़ डिवाइडेड इंटू इक्विटी शेयर ऑफ रूपीज हंड्रेड इच ओ भाई साहब दो सौ करोड़ ये दो सौ हो गए ठीक है उसके बाद करोड़ की बात करते हैं हो गया क्या एक जीरो आई थिंक ज्यादा लगा दिया मैंने ना ठीक है फिगर ही ऐसा आ गया क्या करें भाई ठीक है तो ये हो गया आपका 200 करोड़ ये 200 और ये करोड़ तो ये 200 करोड़ इतना बड़ा फिगर है कंपनी जो है अपनी लाइफ में इतने रुपए का के शेयर जो है इशू कर सकती है अब एक शेयर की वैल्यू कितनी है सौ रुपए इट मींस कंपनी जो नंबर ऑफ शेयर इशू कर सकती है वो कर सकती है कितने एक करोड़ एक दो करोड़ सॉरी दो करोड़ शेयर जो है कंपनी अपनी लाइफ टाइम में इश्यू कर सकती है हंड्रेड रुपीज वाले तो हम यहां पे कहेंगे ऑथोराइज कैपिटल जो है ना सर कंपनी की वो है कंपनी की दो करोड़ शेयर्स एट द रेट हंड्रेड एच तो हम यहां पे लिख देते हैं 200 करोड़ अब ये क्वेश्चन जो है ना ये अपने आप में बहुत ही आसान क्वेश्चन है बहुत सिंपल क्वेश्चन है बस इसमें क्या किया गया फिगर इतनी बड़ी दे दी गई है कि बच्चा कहीं ना कहीं थोड़ा सा फेमिलियर नहीं होता है इन सारी फिगर से ठीक है तो उसके हैबिट में नहीं होती है तो वो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देता है ठीक है तो कई बार आपकी अकाउंटेंसी के साथ साथ आपका मेंटल लेवल वगैरह भी चेक कर लेती है सीबीएसई तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे ऐसी कुछ फिगर भी आ सकती है तो मेंटली आपको प्रिपेयर रहना है कंसेप्ट आपका वही रहना है ऑन फर्स्ट अप्रैल 2021 द सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्ड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी कितना है ये टेन करोड़ है क्या बिल्कुल टेन करोड़ है अब तक कंपनी की सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्ड अप कैपिटल कितनी थी दस करोड़ मतलब पब्लिक को इशू भी किए जा चुके थे दस करोड़ और वो पैसा आ भी गया था कंपनी डिसाइडेड टू हेल्प द अनएम्प्लॉयड यूथ ऑफ द अफेक्टेड एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा बाई ओपनिंग हंड्रेड स्किल डेवलपमेंट सेंटर द कंपनी ऑल्सो डिसाइडेड टू प्रोवाइड फ्री मेडिकल सर्विसेज टू द विलेजर्स ऑफ दीज स्टेट्स बाई स्टार्टिंग मोबाइल डिस्पेंसरीज टू मीट द कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ दीज एक्टिविटी कंपनी इशूड वन लैख इक्विटी शेयर ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू देखिये दस लाख के शेयर दस करोड़ के शेयर ऑलरेडी इशू किए जा चुके थे रुपए के ठीक है दस करोड़ रुपए के तो ये बेसिकली शेयर आपके हो कितने के गए दो जीरो हटा दो ठीक है तो कंपनी कह रही है कि दस लाख शेयर एट द रेट हंड्रेड इच तो दस करोड़ हो गए तो दस करोड़ का माल जो है वो ऑलरेडी हमारा इशूड था अभी हम कुछ लोगों की मदद करना चाहते हैं ठीक है जो नक्सल एरिया में है अफेक्टेड है उनके लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लेके आना चाहते हैं ताकि उनकी ग्रोथ हो वो कुछ कर पाए ठीक है उनको रोजगार वगैरह मिले ठीक है तो ऐसा कुछ करके हम लोगों का भला करना चाहते हैं तो इसके लिए कितने शेयर हमने और इशू कर दिए एक करोड़ एक करोड़ रुपए की हमें और जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमें कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह की जरूरत है कुछ कैपिटल इक्विपमेंट्स की जरूरत है स्टेबल करने के लिए इस टाइप के सेंटर तो उसके लिए हमें एक करोड़ रुपए की जरूरत है तो हमने पब्लिक को और इश्यू कर दिए ठीक है अब अच्छी बात है भला काम कर रहे हैं आप प्रेजेंट शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इन द बैलेंस शीट ऑल्सो आइडेंटिफाई एनी टू वैल्यूज दैट द कंपनी वॉन्ट टू प्रोपोगेट ठीक है तो कंपनी यहाँ पे वैल्यूज क्या बता रही है कि भाई एक तो आ, नक्सल एरिया के लिए थोड़ा सा सेंसिविटी है और कहीं ना कहीं कंट्री की जीडीपी भी बढ़ेगी यहाँ पे ठीक है तो ऐसे कई सारी वैल्यू जो है निकल के आ रही है जो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग बता सकते हैं ठीक है हमारा पार्ट यहाँ पे क्या है हमारा पार्ट ये है कि हमें यहाँ पे बताना है कि सर इशूड कैपिटल कितनी है तो बेटा देखो दस करोड़ तो ऑलरेडी इशू किए गए थे दस करोड़ रुपए के तो दस लाख के ये और एक लाख के ये टोटल ग्यारह लाख रुपए के शेयर कंपनी अब तक इश्यू कर चुकी है तो हम यहां पे कहेंगे इशूड शेयर कैपिटल इलेवन लाख ,00 शेयर्स ऑफ रुपीज हंड्रेड इच तो ग्यारह लाख शेयर हंड्रेड रुपीज ईच के तो ये हो गए आपके ग्यारह करोड़ ठीक है अब बात आती है इशूड के बाद सब्सक्राइब्ड कैपिटल अब सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल में अगर आप ध्यान देंगे तो दो पार्ट होते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुली अप और एक होता है सब्सक्राइब बट नोट फुली अप तो यहाँ पे अपना काम जो है वो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप से ही चला जाएगा क्योंकि पूरे के पूरा पैसा जो है कंपनी मांग चुकी है पहले से ही आ, दस करोड़ के शेयर इशूड थे उनके ऊपर पूरा पैसा कंपनी ने मांग भी लिया था और कंपनी को रिसीव भी हो गया था अभी कंपनी ने क्या किया है एक करोड़ के शेयर और इशू किए हैं और उनके ऊपर पूरा का पूरा पैसा कंपनी ने मांग भी लिया और कंपनी को वो पैसा रिसीव भी हो चुका है तो यहाँ पे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में हम कहेंगे कि सर टोटल जो है इलेवन लैक शेयर्स हैं एट द रेट हंड्रेड ईच है कोई कॉल सीन एरियर वगैरह नहीं है तो सब्सक्राइब एंड फुली अप कैपिटल हमारी कितनी हो गई है इलेवन लैख uh, 11 करोड़ ग्यारह करोड़ रुपए तो यहां पे लिख दीजिए ये आ गया आपका ग्यारह करोड़ रुपए प्रीवियस ईयर में क्या था उससे हमें कुछ खास लेना देना है नहीं है चीजें बड़ी आसान है ठीक है चीजें बड़ी आसान है अगर आप करना चाहें तो ठीक है तो कितने आप क्रेजी हैं चीजें करने के लिए इस चीज पे भी डिपेंड करता है प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन कंपनीज बैलेंस शीट जो है तीन नंबर का इक्वेशन सी बोर्ड रेगुलर बेसिस पे पूछती जाती है उसके बाद ही बच्चे पता नहीं क्यों प्रिपेयर नहीं करते हैं करना क्या है सिंपल सा काम है बस समझ में अगर आ गया है पेन उठाइए और प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए और इस थॉट को हमेशा अपने दिमाग में रखें एवरी थिंग इज ईजी इफ यू आर क्रेजी नथिंग विल बी ईजी इफ यू आर लेजी आलस किया कि ठीक है समझ में आ गया काम हो गया प्रैक्टिस बाद में कर लेंगे कभी नहीं होगा तो फटाफट अभी के अभी आप वीडियो जैसे ही खत्म हो रहा है आपका पेन पेपर उठाएंगे और इन्हीं क्वेश्चन को वापस ट्राई करेंगे और आपकी बुक में जितने भी क्वेश्चंस है प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन कंपनीज बैलेंस शीट अभी के अभी उनको खत्म कर दीजिए अगर कोई डाउट है अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए हम आपके डाउट का समाधान कर देंगे धन्यवाद मिलते हैं अगली क्लास में टिल देन टाटा बाय बाय थैंक यू सो मच